और पुलिस प्रशासन भले ही यहाँ पर जुआरियों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण अंचलों का यहाँ पर भाग भाग दबिश भी लगातार दे रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जुआरियों की यहाँ पर उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब सवाल इस बात करता है कि यहाँ पर जिसका जीता जागता उदाहरण पुरानी कृषि उपज मंडी का खाली पड़ा हुआ यहाँ पर खंडर कार्यालय है, जहाँ पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से देर रात तक लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा है, जबकि यहाँ पर जुए के यहाँ पर जो है फायर से मात्र मिट्टी कोतवाली जो है 50 मीटर की दूरी पर जो है स्थित है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ पर इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर यूं कहा जाए कि यहाँ पर पुलिस से इस क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। सरकारी विभागों में चार पहिया वाहन लगाने के नाम पर ठगी करने वाले ठग गिरोह को जो है निशातपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह से यहाँ पर 13 चार पहिया वाहन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और ठग गिरोह के यहाँ पर इन वाहनों को गिरवी रखकर ठिकाने बदल लेता था। गिरोह के यहाँ पर स्वर्गना राजपाल राजपूत और साथी विनोद मीणा अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर कोर्ट रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। थाना निषादपुरा में पिछले कई महीनों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ लोग यहाँ पर लोगों को लग्जरी गाड़ियाँ शासकीय विभागों में किराए पर अनुबंध पे लगवा करके उनको अच्छा मुनाफा दिलाने का झांसा दे करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस तरह की कई रिपोर्टें प्राप्त हुई, उसके बाद थाना निषादपुरा में 5 अपराध कायम किए गए और इसमें कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 13 लग्जरी वाहन जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर, बलेरो, स्कॉर्पियो, टोयोटा, इनोवा, इस प्रकार की लग्जरी